हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पसल मेनिया बेतंकुर में। कल IDPI एग्जीक्यूटिव का नोटिफिकेशन आउट हो गया। नोटिफिकेशन आने के बाद कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट भी आए कि सर ये कॉन्टेक्चुअल बेस्ड जॉब है तो 3 साल बाद क्या सीन रहेगा, जॉब रहेगी या फिर नहीं। तो IDPI एग्जीक्यूटिव के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। वैकेंसीज की बात करें तो 1036 है। कल 24 मई से रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। एग्जाम आपका 2 जुलाई में होगा। 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। इसमें पहले साल आपको 29,000 पर मंथ मिलेगा, सेकेंड ईयर आपको 31,000 पर मंथ मिलेगा और तीसरे साल आपको 34,000 पर मंथ मिलेगा। अब इसमें होगा क्या, ईयर टू ईयर आपकी परफॉर्मेंस का रिव्यू होगा। अगर 3 साल बाद आपकी परफॉर्मेंस बेहतर रहेगी तो आप असिस्टेंट मैनेजर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। जो भी उनका इंटरनल सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा असिस्टेंट मैनेजर के लिए, उसके थ्रू आपको प्रमोट कर दिया जाएगा। लेकिन ये 100% पक्का नहीं है कि आप असिस्टेंट मैनेजर बन ही जाएंगे या 3 साल बाद आप परमानेंट हो जाएंगे। ये डिपेंड करेगा आपकी परफॉर्मेंस पर। देखो दोस्तों, कोई भी जॉब हो, जब आप एज अ करियर देखते हो ना, तो वहां आप बेहतर परफॉर्मेंस देने की कोशिश भी करते हो, और अगर आपकी परफॉर्मेंस बेहतर रहती है तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो वो आपको रोक लेती है। तो अभी तक अगर आपकी जॉब नहीं लगी है, बहुत सारे एग्जाम्स दे दिए हैं, जॉब की बिल्कुल सख्त जरूरत है, तो आप बिल्कुल इसको अप्लाई कर सकते हो। जो ऐसा करियर नहीं देख रहे हैं, अपकमिंग एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं, तो आप एज अ प्रैक्टिस के रूप में इस एग्जाम को दे सकते हो। क्योंकि देखा जाए तो जब आप इस एग्जाम के लिए तैयारी करेंगे तो आप मेंस लेवल की तैयारी करेंगे, ठीक है। तो अपकमिंग एग्जाम्स की आपकी मेंस लेवल की तैयारी भी हो जाएगी। बाकी IDPI एग्जीक्यूटिव पर रिगार्डिंग कोई भी डाउट है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।